तो हम देख रहे थे मेथड ऑफ कंटूरिंग, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को बताया था। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसका हम अब फिर से थोड़ा सा डिटेलिंग में स्टडी करेंगे कि आखिर क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। मेनली दो स्टेप्स आते हैं, वर्टिकल कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो जो वर्टिकल कंट्रोल है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर नियंत्रण, और जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है उसको बोलते हैं क्षैतिज नियंत्रण। तो इन दो प्रोसेसों में क्या होता है उसको समझेंगे हम। फिर क्या प्रक्रिया है डायरेक्ट मेथड को करने की, उसको जैसे हम जब फील्ड में करते हैं तो आखिर कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे, उसका फिगर के सहायता से थोड़ा सा देखेंगे। और जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम आखिर। तो जैसे हमने बताया कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या करते हैं कि समान उच्चता वाले जो जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर लेवलिंग स्टाफ रखेंगे, फील्ड में अपना चले जाएंगे और फिर लेवलिंग स्टाफ जगह जगह पर रख करके समान उच्चता के जो बिंदु हैं उनको खोजेंगे और फिर उनका सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करके फिर शीट पर प्लॉट कर लेंगे उसको, और जो बिंदु प्लॉट होंगे उन बिंदुओं को फिर फ्री हैंड मिला करके एक कंटूर लाइन को ड्रा कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारा हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट मेथड है, ये जो कार्य किया हमने, जो हमने अभी बताया, इसमें जो एक मतलब क्या उसको बोलेंगे, प्रोफेशनल तरीके से कह सकते हैं कि कुछ मतलब एक टर्म के रूप में उसको बताया गया है कि जैसे जो कार्य हम फील्ड में कर रहे हैं, फिर जो हम प्लॉट कर रहे हैं, फील्ड में ही ये भी करते हैं लेकिन हम इसको जब प्लॉट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं। तो जो कार्य हम फील्ड में कर रहे हैं अर्थात समान RL के जो बिंदु हैं उनको जब हम लेबलिंग स्टाफ की सहायता से खोज रहे हैं, तो इसको जो मतलब बोलेंगे वो वर्टिकल कंट्रोल के अंतर्गत इसको लेते हैं। और जो प्लॉटिंग का कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के अंतर्गत। तो इसको भी समझेंगे कि आखिर जो वर्टिकल कंट्रोल है, जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है, उसको कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट जो हैं वो लगेंगे। अगर मान लीजिए हम वर्टिकल कंट्रोल कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग करने के लिए हम कौन से सर्वेक्षण को यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तब कौन सा सर्वेक्षण के लिए उपकरण लगेगा, और जब छोटा क्षेत्र है तो कौन सा सर्वेक्षण हम करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके विषय में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नोट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ताकि नोट्स बन जाए। तो डायरेक्ट मेथड सॉरी ऑफ कंटूरिंग समोच्च रेखण की प्रत्यक्ष विधि। समोच्च रेखण की प्रत्यक्ष विधि, तो इसको हम एक बार फिर से लिख लेंगे कि इस विधि के अंतर्गत क्षेत्र में स्थित समान उच्चता वाले बिंदुओं को लेबलिंग स्टाफ की सहायता से खोजते हैं तथा उन खोजे गए बिंदुओं को खोजे गए बिंदुओं का ड्राइंग शीट पर अंकन किया जाता है अर्थात प्लॉटिंग
अंकन किया जाता है। इसे डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग अर्थात समोच्च रेखा की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो दो स्टेप आएंगे उन स्टेपों को क्या बोलेंगे और उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत दो चरण आते हैं। अब ये दो चरण कौन कौन से हैं जिन्हें फील्ड में अर्थात क्षेत्र में ही संपन्न किया जाता है। अब ये दो चरण कौन कौन से हैं इनको थोड़ा सा देख लेंगे। फर्स्ट जो चरण है उसको बोलेंगे वर्टिकल कंट्रोल और जो दूसरा है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। वर्टिकल कंट्रोल को हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर कंट्रोल और कंट्रोल यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर नियंत्रण और इसको बोलेंगे हिंदी में क्षैतिज नियंत्रण। अब जो वर्टिकल कंट्रोल है अर्थात ऊर्ध्वाधर नियंत्रण है उसमें क्या करते हैं कि जो हमने वहाँ पे परिभाषा लिखवाया था सेम उसी परिभाषा का थोड़ा सा प्लॉट लेंगे। समोच्च रेखाओं पर जो समोच्च बिंदु हैं स्थित, रेखा जो होती है वो कैसे बनती है, वो अनेक बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। तो उसी तरह जो समोच्च रेखा है उस पर बिंदु जो होंगे उसको समोच्च बिंदु बोलेंगे। तो जो समोच्च बिंदु हैं उनको ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद क्या करेंगे हम उसको कि क्षेत्र में प्लॉट करेंगे उसको। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्टिकल कंट्रोल के अंतर्गत समोच्च रेखाओं पर स्थित समोच्च बिंदुओं को ट्रेस करके क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। अब इसको स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, कौन कौन सा उपकरण लगाएंगे, आखिर कैसे स्थापित करेंगे, तो स्थापित करने के लिए जो हमको उपकरण का यूज करना है उसको बोलते हैं, दो उपकरण लेंगे यहाँ पे। स्थापित कैसे करेंगे, तो स्थापित करेंगे लेबलिंग मशीन तथा लेबलिंग स्टाफ की सहायता से। इसको हिंदी में बोलते हैं तलेक्षण गज। और ये तो लेबलिंग मशीन है, ये सब कोई समझता है तलेक्षण उपकरण। इसकी सहायता से क्या करेंगे हम, ट्रेस करके स्थापित कर देंगे क्षेत्र में। और यहाँ पे अगर दो तरीके से करेंगे, सबसे पहला केस में एक तो लेबलिंग मशीन होगा और एक हो जाएगा यहाँ पे लेबलिंग स्टाफ। लेकिन एक केस में और हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लेबलिंग मशीन तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो उपकरण आ जाएगा उसको बोलेंगे हैंड लेबल। हैंड लेबल क्या होता है, लेबल या एक जो है शीशे की ट्यूब होती है जिसके अंदर पारा भरा होता है और इसका उपयोग हम भूमि पर रख करके उसका जो समतलन जो है, समतलन लेबलिंग जब करते हैं कितना मतलब ज़मीन
अप है डाउन है उसका पता करेंगे। तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार का रहता है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसमें ऐसे पारा बना रहेगा और बीच में ऐसे खाचा टाइप का बना रहेगा और इसमें एक बुलबुला होगा। और अगर ये बुलबुला बीच में है तो हम समझ जाएंगे कि वो जो ग्राउंड है या कोई भी टेबल है वो जो है वो संतुलित है। तो इसकी सहायता से हम पता लगा लेते हैं। तो वर्टिकल कंट्रोल के अंतर्गत ये करते हैं कि जो समोच्च रेखाओं पर स्थित जो समोच्च बिंदु हैं उनको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे और ट्रेस करके फिर स्थापित कर देंगे। स्थापित कैसे करेंगे, लेबलिंग मशीन के द्वारा और लेबलिंग स्टाफ की सहायता से। और दूसरे केस में क्या करेंगे कि अगर हमारे पास लेबलिंग मशीन है तो हैंड लेबल के द्वारा भी स्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको करते हैं। अब जो है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में जो बिंदु हमने स्थापित किया हुआ है उन बिंदुओं की स्थिति, जो स्थिति है उस बिंदु के स्थिति से हम क्या करेंगे, उन बिंदुओं की स्थिति से हम क्या करेंगे कि जो है सर्वेइंग करेंगे, और सर्वेइंग करते हुए उन बिंदुओं की स्थिति को हम ट्रेस करते हुए ड्राइंग शीट पर उतार लेंगे। तो कैसे उतारेंगे उसको हम देखते हैं। तो ये जो कार्य होगा ट्रेस करके उतारने का जो कार्य होगा उसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। अर्थात ये जो पूरा प्रोसेस है ये जो आएगा किसके अंतर्गत आएगा, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के अंतर्गत। तो इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के अंतर्गत आएगा तो इसमें जो सर्वेइंग का कार्य हम करेंगे वो मतलब जैसा क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर जो क्षेत्र है वो बड़ा है तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन सा उपकरण यूज में लाना है, कौन सा सर्वे करना है, और अगर क्षेत्र छोटा है तो कौन सा सर्वेइंग करना है हमको, तो ये देखेंगे। तो अगर क्षेत्र बड़ा है, बड़ा क्षेत्र में हम सर्वे का कार्य कर रहे हैं, तो बड़ा क्षेत्र में क्या करेंगे, थियोडोलाइट सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग या प्लेन टेबल, इन तीनों में से कोई एक ले लेंगे, 1 2 3। अगर बड़ा क्षेत्र है तब तो इस थियोडोलाइट सर्वेइंग करेंगे या कंपास सर्वेइंग या प्लेन टेबल सर्वेइंग की सहायता से क्या काम करेंगे कि बिंदु को जो स्थापित किया गया बिंदु है, तो स्थापित किए गए बिंदु को ड्राइंग शीट पर उतार लेंगे। अब यहाँ पे जब क्षेत्र बड़ा है तब, अब जब क्षेत्र छोटा है जब क्षेत्र छोटा है तब वहाँ पे इस थियोडोलाइट कंपास और प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो चेन सर्वेइंग का यूज करेंगे। चेन सर्वेइंग की सहायता से चेन सर्वेइंग में क्या होता है, चेन सर्वेइंग में जो होता है रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं और ऑफसेट लेते हैं। तो ऑफसेट चेन सर्वेइंग में मतलब चेन सर्वेइंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। और ऑफसेट की चेन सर्वेइंग में ऑफसेट की सहायता से ऑफसेट की सहायता से स्थापित बिंदु ड्राइंग शीट पर उतार लेंगे। तो ये हमारा जो हो गया वो डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग का जो प्रोसेस है वो हो गया। नहीं सॉरी, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आने वाला जो स्टेप है दो वो हो गया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड को करने की जो प्रोसेसिंग है फील्ड में वो कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे। तो डायरेक्ट मेथड की प्रोसेसिंग क्या है नेक्स्ट में हम